राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया और पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी अजीत सिंह का निधन हो गया है। दिग्गज राजनेता अजीत सिंह कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से बीते दिनों गुरुग्राम के अल्ट्रामैक्स हॉस्पिटल में भर्ती थे, जहां उन्होंने 42 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। उनके निधन से देश भर में शोक की लहर दौड़ गई है। उनकी गिनती बड़े जाट नेताओं में होती थी। रालोद सुप्रीमो चौधरी अजीत सिंह और उनकी पोती 24 अप्रैल को कोरोना पॉजिटिव हो गए थे। हालत ख़राब होने पर उन्हें गुरुग्राम के अल्ट्रामैक्स हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। हालात में सुधार नहीं होने पर वो पिछले 4-5 दिनों से वेंटिलेटर पे थे, मगर गुरुवार की सुबह उनका निधन हो गया। राष्ट्रीय लोकदल के नेता अजीत सिंह का जन्म 12 फरवरी 1939 को मेरठ में हुआ था। इनके निधन पर समाजवादी पार्टी समेत कई नेताओं ने गहरा दुख व्यक्त किया है। समाजवादी पार्टी ने अपने ट्विटर हैंडल से लिखा है कि राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी अजीत सिंह का निधन अत्यंत दुखद, अचानक यूं चले जाना किसानों के संघर्ष और भारतीय राजनीति में कभी न भरने वाली जगह छोड़ गया है। इसके अलावा देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी चौधरी अजीत सिंह के निधन पर दुख व्यक्त किया है। आपको बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के बेटे चौधरी अजीत सिंह राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। वो पश्चिम उत्तर प्रदेश के बागपत से 7 बार सांसद रह चुके हैं। वो मनमोहन सरकार में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री भी रहे। वहीं अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में कृषि मंत्री भी रह चुके हैं। उनके बेटे का नाम जयंत चौधरी है, जो 15वीं लोकसभा में मथुरा से सांसद थे। अजीत सिंह ने IIT खड़गपुर से कंप्यूटर साइंस में बीटेक की पढ़ाई की थी। वहीं इलिनाइस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से उन्होंने मास्टर की डिग्री हासिल की थी। ऐसा कहा जाता है कि 1960 के दशक में IBM में काम करने वाले वो पहले भारतीय थे। ब्यूरो रिपोर्ट, आज की खबर।